और ये इतना छोटा ड्रोन कौन सा है? So guys, ये पहली बार हमने रिमोट मंगवाया जिसमें स्क्रीन भी है। क्विट बेबी है। Congratulations. Hey guys, what's up? Good morning. Welcome back to another episode. आज की शुरुआत हो चुकी है बहुत ही फैब्रिक स्टाइल्स में, क्योंकि हमारा बहुत बढ़िया सामान आ चुका है। अब मैं तुम्हें सामान खोलकर दिखाता हूँ। चिचनी, दुख की बात भी और खुशी की बात भी है। दुख की बात ये कि मेरा भाई इतना महंगा ड्रोन मिल नहीं रहा, और खुशी की बात ये कि नया ड्रोन आ चुका है। चलो इसको अनबॉक्स करें। इशू, तुम्हें कैमरामैन बनना पड़ेगा। छोटे का वो तो दिखा, छोटे से साफ कर दिया। हाँ। शिट, छोटा अंडा बना रहा था, मस्त इसने फ्लिप किया और योक उड़ के गया पैन पे लाइक वी दो मदा दो मदा। चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। ईशु, रिकॉर्ड करिए। फिलहाल मैं लॉयर बन रहा हूँ। तू लॉयर बन रहा हूँ? अभी सारे काम करने पड़ते हैं, बता रहा हमारी उसमें लॉयर सबूत सबूत इकट्ठे कर रहा है। सब कुछ आ गया ना इसमें? सर गैस पापा के साथ सब कुछ आ चुका है। हर ट्रिप से पहले कुछ ना कुछ मंगाना पड़ता है। अभी देखना कुछ आ गया, फिर कुछ आ जाएगा। Let's see what we have here. Nice one. तो गैस मेरा बैग फट गया था, मतलब ढंग से फट चुका है उसका। इतना बार हो चुका है कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ। ये देखो, इसकी जिप सारी खराब हो गई और चिथड़े उड़ चुके हैं इसके। इसको बहुत टाइम भी हो गया वैसे। बबलू, ये हमने कब लिया था? जब हम आइसलैंड गए थे ना। हाँ। ये 4 साल पुराना बैग है, 5 से 4 साल। हाँ, जो मैं कल दिखाने रहा था तुम्हें सारी फुटेज। 4 साल पुराना बैग है, तो न्यू बैग है यार। ओशे के तो बहुत छोटा है यार, ये छोटा बैग आ गया यार। इसमें मेरा माल आएगा कि नहीं आएगा? एक ही कैमरा है वैसे अब तो। अब तो छोटा ही कैमरा है। और ऑर्डर कर ले, तभी भी तेरा सामान नहीं आएगा शायद। छोटे प्लीज मैंने। ओह माय गॉड, सो मेनी आईफोन्स। या नन्हे दानिश है। अबे इतना सा बॉक्स है, वाओ। अबे बाकी तो आया नहीं, वो शू अलग है। सो गाइस, ये दहेज में जाएंगे। दहेज नाइस फोन। ओह वाओ, नाइस नाइस नाइस। और ये इतना छोटा ड्रोन कौन सा है? ये नहीं तो आया नया ड्रोन। बाप सब, एक सेकंड सुन। हां, तूने कैमरा तो यही वाला लेना बस। हां, और फिर तो मस्त आ जाएगा। हां ना, ये भी आ जाएगा। कॉम्पैक्ट यार। हां तो बस ये चाहिए मेरे को। एंड आई जस्ट नीड लैपटॉप चले जाए बस। लैपशीट्स, और इसमें सारा सामान वो भी हो जाएगा, ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा। लैपशीट्स से इसमें इधर आ जाएगा एक। ये चाहिए इसमें चार्जर एंड एवरीथिंग। वो तो मेरे उसमें जाती में जाता है। नहीं नहीं, अरे मतलब कैमरा के वायर्स वगैरह वो इसमें आ जाती है ना। बहुत बहुत कुछ है। हेडफोन, डियर वॉच ऑर्गेनाइज कर लियो ना मस्त। सो गाइस, आज हम अनबॉक्स कर रहे हैं DJI मिनी प्रो। जब भी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमेशा ना स्किन, मतलब स्किन की हम टेक केयर तो करते नहीं है, तो स्किन की एकदम माबे हो जाती है। बचपन में जब हम होते थे तभी मम्मी पापा मेरी बहन सब मिलके हम उपतन लगाते थे। जैसे मेरी जब बहन की शादी पे होती तब भी ग्लो के नाम पे उसको येलो कलर का उपतन लगा देता, विच इज क्वाइट पैपिक है, जो अब हम कर नहीं पाते। सो गाइस, इतनी सारी ट्रैवलिंग करके अपनी स्किन का टेक केयर करने का कभी टाइम ही नहीं मिलता। इतनी पोल्यूशन और डर्ट होती है कि स्किन का हमेशा कभी ध्यान रखने का टाइम नहीं होता। बचपन में अच्छा था, मम्मी एकदम एक से एक पैपिक स्टाइल उपतन बना देती थी, फिर हम उसको लगाते थे और बैठते थे, मस्त स्किन ग्लो करती थी। आई रिमेंबर रिश्ता की शादी में भी मतलब येलो कलर का उपतन लगा दिया था उसको सब लोगों ने, और उसका ग्लो के नाम पे मस्त उपतन लगाया था। वी हैड सो मच फन बैक देन। शादी में शी वॉज एक्चुअली ग्लोइंग बिकॉज ऑफ इट। बट अब तो पॉसिबल ही नहीं होता ये सब विद ऑल द बिजी शेड्यूल। हम जो इतना ट्रैवलिंग करते रहते हैं कि हम कोई बैठ के उपतन मिलाए, इट्स अ लॉट ऑफ हैसल एंड स्किल के रह जाता है बिकॉज ऑफ द बिजी शेड्यूल। सो रिसेंटली आई स्टार्टेड यूजिंग दिस उपतन फ्रॉम मामाअर्थ, एंड देयर उपतन फेस वॉश हैज actually come to my rescue. It is enriched with the goodness of turmeric and saffron. This face wash gives you a naturally glowing skin by removing tan and nourishing the skin. It also has walnut beads that gently exfoliate and remove dead cells from the skin. I tried their Uptan face mask too. It is amazing as well. And I can use it without worrying every day, as it is free of toxins, parabens and harmful chemicals. Also guys, for every order that you buy from Mamaearth, Mamaearth will link your order to the website to a tree that they will plant. By 2025, Mamaearth is planning to plant 1 million trees as part of their initiative. So guys, check out their website and download their app from the link in the description below. You can use my code ANUNET2022 and get 20% off on their official website or their app. You can also purchase from Amazon, Nike, Flipkart, boom boom. So guys, थोड़ी सी एक मदद चाहिए थी। ये वाला जो ड्रोन मैंने मंगाया था मेरे को मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ खो गया। तो जाके मेरे व्लॉग्स देखो और देखो कि मैंने लास्ट कहाँ उड़ाया था। जितना मुझे याद है, ये जो 2 सब्सक्राइबर्स नहीं आए थे, जब सब्सक्राइबर्स आए थे मैं और बबलू शिमला में थे, वहाँ मैंने लास्ट उड़ाया था, क्योंकि वहाँ पे ये भी था और वो भी था। या तो मैं सिकलूट छोड़ दिया, पर सिकलूट छोड़ नहीं सकता क्योंकि मैं दुबई आया था, तो मैंने इसको मैसेज किया था कि भाई सर। पर आपको लगा होगा कि आपने बैग में डाला है, बट शायद वैसे कुछ नहीं। नहीं, इतना बड़ा ड्रोन था वो, सारे बैग में था वो। अभी पता नहीं, समझ नहीं आ रहा मुझे गया कहाँ सारा ड्रोन। घर की सफाई के चक्कर में उड़ गया, पता नहीं कहाँ गया। एनीवेज, किसी को पता लगे मैं ड्रोन का तो बताना। चलो हम ये बॉक्स करते हैं। देखो ये कितना छोटा था और ये कितना हाथी था। हाथी और मेरे साथी। Where's the चक्कू? So guys, हम unbox कर रहे हैं DJI Mini 3 Pro।
बड़ा छोटा सा डब्बा है ये तो, कॉम्पैक्ट स्लीक, इसमें कुछ निकलेगा अभी या सरप्राइज निकलेगा? गेट योर ओन ड्रोन। ओह नाइस वन्स, ओह वाओ, तो क्यूट सा है यार। अबे इतना सा यार, भरोसा नहीं लग रहा मुझे, उड़ेगा भी ये? वही है बबलू, बट प्रो है ना। रशिया में क्या हुआ था? अबे ठा बजा था पेड़ में अपने आप ही, अब मैं घूम रहा हूँ, बबलू मेरी वीडियो बना रहा है। अपने आप कैसे हो सकता है भाई? एक बार ठूका और वापस आ गया बड़ी मुश्किल से, ठीक है। फिर वृंदा ने कहा कि भाई उतार ले उतार ले, मैं कहा नहीं थोड़ी सी बैटरी बची, थोड़ा मजा लेता हूँ, थोड़ा सा लिया पेड़ में, थाड़ नीचे टूट गया था, तब से ऐसे पड़ा हुआ है। सो गाइस, ये पहली बार हमने रिमोट मंगाया जिसमें स्क्रीन भी है, क्विक फैब्रिक है, ऑलरेडी लगी हुई है। हाँ स्क्रीन है इसमें ऑलरेडी। नाइस वॉन्स, ये रहे इसके डूंडीज, सम नाइस डूंडीज। थोड़ी सी इसमें आदत करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी आदत नहीं है पकड़ने की, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा ये मामला, बट सही है। सिर्फ यही है, बस यही है। अब इसकी बैटरी चार्ज कैसे करेंगे? बस यही है और कुछ नहीं हो गया। अबे चार्ज कैसे होगा? अच्छा सी टाइप लगी है इसमें, इसको सी टाइप से चार्ज करके देखिए एक बार, इशू दिखा। छोटा मोटा ड्रोन या छोटा क्यूट सा है, क्यूट सा एकदम, जस्ट लाइक की क्यूट है बाबलू। हो रहा है पिकअप लेंस वाला वन। ओह ये तो सही है, फिर चलो ये सही है। अब आई डोंट थिंक हमें एक्स्ट्रा बैटरी की जरूरत होगी क्योंकि जैसे हमने एक फ्लाइट ली, इसमें एक फ्लाइट टाइम का टाइम 45 मिनट्स है। जैसे एक फ्लाइट का टाइम 45 मिनट्स खत्म होगा, हम उसको चार्जिंग पे ला देंगे सी टाइप पे। छोटा देखो, वाओ छोटे, तूने हाफ फ्लाइट बोला था, मुझे क्या पता था इतना बढ़िया सैंडविच बनाएगा अपने लिए। आई डोंट नो। सो गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं इसकी प्राइस बताता हूँ। इसकी प्राइस है 3500 दिरहम्स का है, मतलब 70,000 रुपये का है, 70,000 रुपये का। इंडिया में तो 70,000 कभी नहीं आएगा, 1,00,000 से ऊपर का होगा ये, क्योंकि मिनी 2 मुझे याद है पता नहीं 70-80,000 का आता था, वो यहाँ पे 40,000 का भी नहीं था, 30-40,000 रुपये का मैंने लिया था। गुड डे टू यू छोटा, मैं हम देख रहे हैं स्ट्रेंजर थिंग्स, मैंने देखा हुआ है, बबलू को दिखा रहे हैं हम, सो दैट वी कैन कंटिन्यू थर्ड एंड फोर्थ सीजन। तो क्या लॉयर बना हुआ है? बता किसकी फोड़नी है? ये तो तुम्हारी अदालत, यहाँ पे बताओ सब कुछ है। तो गाइस हम निकल चुके हैं घर से बाहर, घर से बाहर आजकल हम निकल नहीं रहे हैं, थोड़ा सा शांति में घर का खाना खा रहे थे, बढ़िया जिम जा रहे हैं, थोड़ा सा सुकून रख रहे थे क्योंकि अभी एकदम हेक्टिक, मतलब अब जर्नी आने वाली है, मतलब तुम लगा लो हम 7th को जा रहे हैं, फिर पता नहीं मेरा शायद कैंपेन आ गया, नहीं तो मैं 30 को आ रहा था, प्लान ये था 25 तारीख को बबलू अपना सोलो करेगा, मैं अपना सोलो करूँगा, बट शायद से कटने वाला है 27 को एक कैंपेन आ गया कैंपून, तो हमें शायद कहीं जाना पड़ेगा। सो गुड डे टू मी। अब मैं चौपट ये हो रहा है कि मैं कोई समझ नहीं आ रहा, मैंने सोचा था पॉइंट सेव करे थे कि मैं और छोटा आराम से A380 में आएंगे बिजनेस क्लास, बट अब अगर छोटा अलग से आएगा मैं अलग से आऊँगा तो हम कैसे करेंगे? मैं सोच रहा हूँ कि जाते जाते चले जाएंगे, एक्सपीरियंस क्या करें कि ना करें कि ऐसे मुश्किल आए। वो येलो में कितनी बढ़िया लगती है यार ये, जीपर्स क्रीपर्स, क्रीपी जीपर्स। तो गाइस हम जा रहे हैं, थोड़ा सा बबलू अपने कलीग्स के साथ गया हुआ था तो उसके हमें थोड़ा सा एक्सचेंज कराना था, उस दिन जो शॉपिंग की थी उसको अच्छा नहीं लगा, और आईफा अवार्ड से कट चुका है, सालों को मारूंगा मैं, इनसे बात हुई थी फिर अब वो बंदी रिप्लाई नहीं करी, किम को बेचारी को बहुत तंग किया उसने, तो आई डोंट थिंक आईफा भी हो रहा है, कट गया हमारा, तो वृंदा का भी मन नहीं था, चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखो गाइस थार आ गई यहाँ पे, पर मेरे को थार ज़्यादा बड़ी लग रही है इससे, छोटी है ये, छोटी है पता। सो गाइस नाइकी का जो दुबई मॉल में स्टोर है भाई साहब, ये मॉल से भी ज़्यादा बड़ा है, सिलेक्ट सिटी मॉल आ जाएगा इसके अंदर, इतना बड़ा है ये, खत्म ही नहीं हो रहा। बबलू यहाँ तक तो कभी आए नहीं, हम तो पहले से निकल जाते हैं। वो देखो एंड तक है बढ़िया चीज। सो गाइस क्या बढ़िया व्यूज आ रहे हैं ना नाइकी के स्टोर से, ब्रिज के, ब्रिज मुझे यहाँ पर रेड वाले दिख गए, मेरी आँखें बहुत ही चील की आँखें हैं, दूर से मुझे जॉर्डन दिख जाता है, बबलू दिखा रहा था इसको अच्छा लगता, मुझे तो बहुत ही, मैं नहीं पहन सकता, बाकी नहीं पहन सकता कुछ भी, सिर्फ यही पहन सकता हूँ बबन गुड्डी टी। सो गाइस हमने ले लिए रेड वाले, अच्छे लग रहे थे। सो गाइस मूड की माँ बहन जाती है, फिर कुछ होता नहीं ब्लॉग, एनी हम जा रहे हैं जिम करने को पैपी के। बबलू 3 दिन बचे हैं, दो मत आओ, हम लोग कुछ बुक बुक नहीं किया, और इस बार यूट्यूब पे लोग बोल रहे हैं कि सर प्लीज़ इस बार बताना हाउ मच, कितने पैसे लगे, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये क्या होता है, हम तो मस्ती करने जा रहे हैं, क्या बताओ, वो तू बनाइए ना। सो गाइस बजट बुजट और ये सारी चीज़ें वो बबलू बनाएगा, हम ब्लॉगिंग पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बबलू क्या बनाना है ये बताएगा, कितने पैसे लगे, क्या बना, कौन से होटल में रहना, ये सब। देखो चिकन चिकन
चिकन दूर से दिख रहा था, चिकन टंगड़ी तिल्ली चलते रहे। चल बोलू क्या करें, थोड़ा काटी नहीं करेगा। तूने कभी देखा चिकन डेडलिफ्ट कर रहा है, बॉडी वेट मार रहा है? अब रुक जा, चिकन दिखा दूँ। अब देखो चिकन दिख गया तुम्हें, चिकन टंगड़ी टूटेगी। तब से टूथपिक टूटेगी अभी। तू भी बैठ जाए भाई, सुबह हम भी बैठ जाए इस पर, हम बैठ जाए, एक बबलू बैठ जाए, मैं बैठ जाऊँगा। चल आज छोटे गाइस, हम सुबीर के घर में डाका डालने हैं। ये क्या बबलू? मस्त मस्त केटल है, केटल बेल। चलो हम दारू चोरी करने हैं। ओह डबल ब्लैक बियर। क्या क्या चोरी करें? ये तो पी दें। कॉर्क है इसमें, कॉर्क है, मैं करता हूँ इसको। सो गाइस, आज बहुत सारे लोग आए हैं घर पे, हम बना रहे हैं बढ़िया बबलू बना रहे हैं। मैं छोटा भाई कॉकटेल्स छोटे, क्या बना रहे थे? मेकशिफ्ट कॉकटेल्स, मेकशिफ्ट सैंग्रिया। मेकशिफ्ट सैंग्रिया का मतलब क्या है कि जल्दी से सैंग्रिया, क्योंकि सैंग्रिया को बनाने में 24 घंटे लगते हैं, और छोटा भाई हमारा बना रहे हैं 24 मिनट में। 24 मिनट 2 मिनट में, 2.4 मिनट्स। इसमें मैं डाला है स्वाद अनुसार जील, सम नाइस वर्टकेंस, एंड देन वी शैल ऐड सम नाइस शैटर टैटू। अभी हम यहीं पे जा रहे हैं बाबू, शैटर टैटू, शैटर टैटू। I think बबलू इसमें सिर्फ तुम्हारा ही काम होगा। I should drink whiskey. बबलू बहुत ज़्यादा है ये। Taste कर लेता हूँ, चलो मैं। It's too much. तुमने तो छोड़ी नहीं। मैं नहीं नहीं पी रहा, हम दाल चावल खा रहे हैं। आपको फोटोज भेजता रहा हूँ मैं। खाने बहुत कुछ है। आज मैं भेजता हूँ अभी, हमने आज नहीं खाया, कल हमने दाल चावल खाए, पनीर बनाया इसने, फिर ब्रेड पे पनीर लगा के रोटी बना दी है। ज़्यादा मत बोल, अब तू है नहीं तो खाना नहीं मिल रहा मैं पत्नी। नहीं हाँ बबलू बना रहा है बढ़िया। अबे जब मम्मी थी तब हम रोज बाहर से मंगा रहे थे। नहीं ये कीटो खा रहा था। अच्छा हाँ घटिया कीटो खा रहा था। घर पे मैं मेहनत कर रही थी, रात को कभी पिज्जा मंगवा रहे हैं, ओह गॉड ब्राउनी मंगवा रहे हैं, बाप रे क्या क्या। तो गाइस घर पे आए मामा मामी जी। हेलो मामी जी, कैसे हो? हाय आई एम फ्रॉम पुणे। मैं आपका इंट्रोडक्शन देता हूँ। पुणे से हो? तो वृंदा पूछी थी अच्छा कौन से मामा मामी। मैंने कहा देख एक जो होता है ना जिसकी शादी में बच्चा बैठता है घोड़े पे, इनकी शादी में मैं बैठा था। मामू मुझे चढ़ाते रहते थे जब मैं छोटा था कि देख तेरी भी बीवी है। अरे हाँ सैंग्रिया बढ़िया पब्लिक से। मैंने देखा वहां से कैसे बना, बढ़िया बन रहा है एकदम। टू पोटेंट फॉर मी, इट्स नॉट पोटेंट एट ऑल। आपको अलाउड नहीं, चलो उधर ही बैठ। मैं नहीं ले रहा। शुक्र है। ड्रिंक एंड सी। चलो इट वाज ओके। फ्यूम ऐसे मैं अभी टेस्ट करने चाहिए। टेस्ट करना। उसको बता, मेरे को नहीं वैसे बता। अनन्या का ऑनेस्ट रिएक्शन हर चीज में ऐसे ना खाता है। छोटे बढ़िया विस्की। सो किट्टू एंड दीपक दे कॉल मी छोटू। किट्टू इज डॉटर। किसी के अंदर लगा हुआ है, किसी के बाहर लगा हुआ है। कैमरामैन वो उधर कैमरामैन। अच्छा वो देख। सो गाइस मेरी रैगिंग हो रही है। मैं ये कह रही कुछ ट्रिप का पूछना इससे। बस कोई अपना एक कोई हैपनिंग इंसिडेंट कुछ पहले तो मैं वॉच कर रही हूं। मैं मेकअप जाना है कि वृंदा कैसे? वृंदा नहीं वृंदा 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 अच्छा बिजी हो। हम स्मृति ट्रिप पे गए। वृंदा आओ इधर। अच्छा और हाँ ये पीछे पड़ी हुई थी कि हमें नहीं जाना वापस, हमें नहीं जाना वापस, और जो मेरे बाकी दोस्त थे वो कह रहे थे हमें जाना है, हमें जाना है। और जब ऐसा हुआ तो हमें वापस पीती जाना पड़ा। तो यस मैंने कहा तू नहीं नसल ज़्यादा बुरा ना लग रहा हो कि कुछ नहीं होता, एक्सीडेंट्स हैपन। इस पास गई मैं, कहा आई यू ओके, कुछ नहीं, आई वाज बीइंग वेरी नाइस।
वो तो देख ले, मेरे साथ रहेगी तो ऐसे एडवेंचर होता रहेगा। आपने दिस नॉट एडवेंचर, मैंने इसको बताया था हमारे हर ट्रिप पे कुछ ना कुछ कांड होता है, तो मेरे साथ रहेगी तो ऐसे ही कांड होते रहेगा। एंड माय किड्स वर सो एक्साइटेड दैट आई नेवर न्यू हु इज ब्रिंदा, एंड किट्टू वाज लाइक मम्मा यू नो शी इज अनुने भैयास फैन एंड दे वेंट टुगेदर, दे आर इन रिलेशनशिप। मैं क्या, अच्छा ये कब है, पहली बार किट्टू ऐसे 2017 स्कूल, यस। And I was like, how do you know? Insta. Insta. I said, okay. I never knew that. But then, yes. Gift दे देते हैं। चक्कर में हम तो एक हफ्ते से recover ही कर रहे हैं, अभी तक recover नहीं कर पाए। ओए सुमित, तेरे लिए gift लाया। अपने मुंह पे मारी है। अबे साले तेरे घर के लिए है। इसको पहले मैं सोचा था बाहर लगा दूंगा कि पता लग जाएगा बंदर का घर है। काली माता थोड़ी है। अबे लेके जा इसको अपने घर पे। कहाँ रख रहा है, लेके जाइए। अच्छा अभी वहाँ रख दे फिर। सो गाइस बढ़िया एकदम खाना चुका है, स्नैक्स स्नैक अटैक। इतना इतना सही है कि नहीं है? अबे ये तो अलग आ गया, हम मेरा कहाँ है जो मैंने मंगाया था, ये तो कुछ और आ गया। ये मेन कोर्स है कि स्नैक्स है, स्नैक्स। शट अप बदतमीज। So guys, मैं मेन कोर्स मंगाया था, चल मैं इंडियन रेटिंग मंगा दूंगा, उसको बोल टिकट टुक के भेज दे। क्या लिखा है? छोटा मिल माई करिए। कॉस्मोपॉलिटन वाली भी लिया दे दे, अरुण ने कोई दे दे वो आजा सब सबको कह दो, अब आधे लोगों को तू खिला, आधे लोगों को मैं खिला। नहीं, इट्स इशू थॉट। ये ले ओप। ओहो बढ़िया, ये ले। आपको अलाउड है? किसको? पापा को। इसने गेम ऑफ थ्रोन नहीं देखा अभी तक, भाई तुझे पाप चढ़ेगा, कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर। रोलेक्स चाहिए पहले से? गेम ऑफ थ्रोन देख, अबे गायब रह दूंगा तेरा, गायब रह जाएगी। अगर तेरी मेमोरी मैं खरीद सकता और फिर से देख सकता तब भी मैं तीन बार देखता वापस। हाँ हाँ, इतनी बढ़िया नींद आती है। हमने कितनी बार रिपीट भी कर गया पूरा देखा, किसके साथ देखा इसने पता नहीं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा गेम ऑफ थ्रोन्स। छोटे कैसी बातें कर रहे हैं, पूरा देखा है, हम देख रहे हैं। मैंने कितने देखा पूरा, मैंने कहा भाई मुझसे नहीं हो रहा है ये। और वो वाला सीन चल रहा था जब उसको हवा महल से नीचे फेंक देते हैं बंदे को, एक यार मुझे याद नहीं आ रहा। मैं कहा ये क्या देख रही है आप फालतू के लिए, नहीं देख रहे। अरे उसको ब्रांड को नीचे फेंक देते हैं। अरे भैया नहीं, ब्रांड को नहीं फेंकते, नीचे इसको फेंकते हैं। अरे मुझे सर वो जो खुलता है नीचे फेंक देते हैं। वो तो फर्स्ट एपिसोड वो नहीं यार, जो जो उसकी बहन का घर नहीं होता हवा में, वहाँ से ऐसे एक बीच से वो पत्थर खुलता है, फिर वहाँ से धक्का देते हैं। जब बॉने और उसकी लड़ाई हो जाती है तो फिर बॉने की तरफ से वो लड़ लड़ता है। तू बॉना, सुबीर बॉना, अब मुझे नाम याद आ रहा है। I can just give my only, मैं ज़्यादा Lannister, Jamie Lannister, Jamie उसका भाई था, दूसरा क्या था? मैंने कहा Tyrion, अरे तेरे को तो मालूम है, साले मेरे को Game of Thrones बताएगा। अबे चल साले।
अबे सुमित तेरी जलेबी आ गई, आधा किलो ऑर्डर किया जलेबी। फायदा क्या हुआ करने का, पहले जलेबी आ गई। कहानी ज्यादा मत बोल, फटेगा। जलेबी खाएगा? सिर्फ जलेबी तक ही सोचा। मैं बहुत एडिक्ट है, मत खा इसको खाने से पहले। आधा किलो नहीं नहीं आज कंट्रोल कर लेगा आपके लिए। सिर्फ आपके आपके लिए मैं 100 ग्राम बचाऊंगा। हां शट अप। कैसी है छठे? जब एक खाओगी सारा खा जाओगी। अभी सुबीर का देखिए 500 ग्राम कैसे खत्म करेगा भाई। कुकिंग इज कमिंग, कुकिंग इज कमिंग। अभी गरम है। हां एक पीस तो खाना। अभी एक खाएगा सब खा जाएगा। इट्स मुझे भूखा ही नहीं जाता यार। मम्मी मम्मी दे रही है कि इतनी मिलेगी सिर्फ। छोटे और क्या मतलब भाई, पहले खाना का मम्मा खाना खाने दो यार, मेरे को नहीं खानी। अच्छा केक, हाँ केक काटते हैं। चलो छोटे चलो केक काटो। कॉन्ग्रेचुलेशन बब्बू। मैं जो आई चाहता मत बोल, मैं जो आई मैं भी आया फिर क्या ले, मेरे को भी दे बोल क्या चाहिए। ये देखो एक और आ गया मैंने को नहीं खिलाया। सुबह खा गया सारी। हाँ पापा को याद रहता है तभी ब्लॉग बनाने पड़ते हैं। मैंने मुझे नहीं खिलाई। खराब करो साले, तेरा घर पूरा खराब कर दूंगा मैं। टीका लगाएगा? हम अभी अबे टोपी नहीं पहनते। अभी गौर ने बोला टीवी कैसे चल रहा है, नहीं चल नहीं रहा फिक्स। हाय हाय बबलू। इसकी दवाई आती है कोई? यार दिस यू लाफ, यू गाइस लाफ एट, ये क्या मतलब हुआ? ये अच्छा जोक था। ये जोक में हाई फाइव, इट वाज अ पिटी लाफ। ये डार्क ह्यूमर किसी को समझ में नहीं आएगा। ये जलेबी खाने वालों को समझ आएगा। अरे हां मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको बाहर आके बोलूं भाई बंद कर दे। जब ये सॉल्ट बोल गए मैंने बोला गॉड, अभी अल्लाह बोल रहा था गॉड में आ गया। मेरी वापस नींद लगी थी लाइक मैं नॉर्वे से आया था, रात की लाइट थी, हम 12-1 बजे में पहुंचा इशू जगह ही होता। मैं इशू बैठे हम ब्लॉग देखने लगे, फिर हमें दिख गया भाई सॉल्ट वगैरह खा रहे थे। उन्होंने चल इशू सॉल्ट खाने के लिए, दिस इज नॉट द स्टोरी। सो अनन जब भी कुछ भी देखता है ना टीवी देखता कुछ होता है ये तो मैं फिर बहुत बोल दे दोगे भी एक एग्जांपल देने में हां कर भी नहीं होते। और लास्ट टाइम अभी हम जब हम वो स्टेशन ले गए थे तू हमेशा ताली मार रहा है एवरी ऑल योर सिस्टर्स एंड योर मॉम एवरीवन सेड यू प्लीज चुप कर प्लीज चुप कर एंड मेक मी सी रेडी यार बांध देने चाहिए भाई। सो मेनी मैंने कहा मारी ताली तू हर बार था। हां एवरी टाइम भाई इतनी जोर से ब्लॉग पे नहीं आती हूं ना, एक हाथ ऊपर है। ओहो भाई कभी टीवी देने आप शट अप बदमाश। और कई बार पहले ताली बज के फिर लाफ आती है वाला ड्रॉज में जिससे तुम एक्सरसाइज करते हो। श्योर श्योर हां नॉट अ बैड श्योर श्योर बड़ा दबा दिया सब मैं खड़ा है नो नो आई। सो गाइस सुबह 5 खिला रहे हैं दीपक सामने खड़े हैं। गाइस कर तो मजाक उड़ा रहे हैं पान खिला रहा है। बनारस से किसी को चोरी करके लाया है। ड्राइड है? तूने अभी मामू को बोला, तूने बोला बनारसी है, ड्राइड है, ये सुखा के लाया वहाँ पे भट्टी पे। भट्टी पे बबलू गर्म हो जाता है ना, ड्राई हो जाता है। ये बम्बल वाले के लिए लगा रखे हैं, आए तो खुशबू आनी चाहिए एकदम। अबे देख फट्टे लगाए ना खाली कहीं पे भी दिख गए, कहता मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया यहाँ लगा दिया, मैंने कहा अगली बार बचेगा यही लगा दिया। फिर बबलू 2 दिन तक हंसता रहा उस बात पे। बैचलर्स ओनली फॉर बबल गर्ल्स एंड टिंडर। इधर है मम्मी, इधर है यार। ये देखो एक बहुत अच्छा रूम है इसमें, यहाँ पे जो लड़की जो टेंट वाली होती है उसको यहाँ से लाता है, कहता है इधर आओ बेबी। बबल नहीं मम्मा बम्बल। मम्मी कह रही सच में आ रही थी। शिट।
लगा रूम के लिए डोर कांच का दो, दो दो बालकनी है बम्बल ये देखो फूल देख रहे हैं दोस्तों फूल नहीं है उसको पॉटप्यूरी कहते हैं ये अपनी प्रोफाइल में भी लगाया हुआ है Anybody who loves it can come to my house for a visit. Nice. Guys. ये है बढ़िया पान जैसे सब लपेट रहे हैं. ड्राइड तो नहीं है गीला ये है तो. आने हट बेटे. कलकत्ता मीठा पान. हमें कलकत्ता नहीं बनारस से चाहिए. वो बनारस. बनारसी. डिश वॉश में धोएंगे बढ़िया एकदम सारा कचरा. पार्टियों के बाद कचरा तो हमेशा होता ही है. ये जबरदस्ती डिश वॉश खरीदा था उन्होंने. हाँ तो यूज करेंगे ना इसको. अरे तब देख 408,000 रुपए में आ गया और क्या चाहिए तुम्हें. ये पानी बहुत वेस्ट करता है इसलिए हम यूज नहीं करते इसको. ये देखो सारे मामा चला गया. इसको बस लगाएंगे इसको बंद करेंगे काटे घोले लगा लो बाबा. इसमें ये डालते हैं हम थोड़ा सा. इसमें क्यूब होता है इस क्यूब इसका ऐसे लगानी है यहाँ पे. इस देर लगाएंगे बस गिटक गिटक यहाँ लगा दी. पैन दी है इसको बंद कर ऑन किया पावर ऑन एंड क्विक शावर सम नाइस लंच. ग्रेट. अब सुबह तक गाइस खुशखबरियां होती है बढ़िया कॉमेडी नाइट विद कपिल चलता है एकदम बढ़िया. गुड डे टू यू बर्बो सी यू टुमारो बर्बो.